न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, की गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के सीएम का किया स्वागत। 4 दिसंबर के संस्थापक समारोह के मुख्य अतिथि हैं सीएम रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाले पुस्तकों का अवलोकन। कहा, अद्भुत और अलौकिक स्थान है गीता प्रेस। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। डीएम ने कहा, दिव्यांग जनों को ना समझे बोझ, उन्हें जोड़े समाज की मुख्य धारा में। गोविंद बल्लभ ने संभाला जनपद न्यायाधीश का कार्यभार। कहा, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना ही प्रमुख प्राथमिकता। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 किलोमीटर पद यात्रा के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा की जनता से जुड़कर समस्याओं का होगा निस्तारण। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश ने 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। मंगलवार को ITBP दिल्ली से फाइनल के लिए होगी भिड़ंत। श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मनाया गया जन्मदिन। जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र पर जिलाधिकारी ने बांटे ट्राई साइकिल और दिव्यांग उपकरण। कहा, दिव्यांगों की सेवा करना ही मानव धर्म। गुलरिया थाने पर SSP ने की CO और थाना प्रभारियों के साथ बैठक। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। यातायात तिराहे से काली मंदिर रोड पर अतिक्रमणकारियों पर चल रहे प्रशासन का डंडा। अपर नगर मजिस्ट्रेट ने कहा, दोबारा हुआ अतिक्रमण तो होगी कठोर कार्रवाई। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित दिव्यांग केंद्र पर दिव्यांगों बच्चों ने प्रस्तुत किया मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद। और GCA के अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग में देवरिया क्रिकेट एकेडमी ने गोरखपुर ब्लू को 76 रनों से हराया।